गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपका थर्ड पार्ट है सब्ट्रैक्शन का, जिसमें क्वेश्चन दिया है 236 को आपको माइनस करना है फ्रॉम 550। तो हमारा फ्रॉम लिखा है, दैट मींस हमें इसमें से निकालना है, और ये बड़ा नंबर है 550। तो उससे पहले आप यहाँ 1 10 100 लिखिएगा, तो 550 ये हो गया, और इसको हमें माइनस करना है 236 से। अब इसको आप माइनस करिए, ये हो गया 10, यहाँ कटा, ये 4 हो गया, 10 में से 6 गया 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर रही हूँ, जिसमें आपका दिया है क्वेश्चन 3195 फ्रॉम 7046। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वंस टेंस 100 और 1000 लिखूँगी। अब मुझे क्या लिखना है, फ्रॉम है 7046, तो 7046, और इसको माइनस करना है 3195 से। अभी आप माइनस करिए, 6 में से 5 गया 1, ये नहीं जाएगा, तो ये इससे लेगा 14 हो गया, 14 में से 9 गया आपका बच्चा 5, नेक्स्ट ये आपका हो गया 9, 9 में से 1 कटा आपका बचा 8, क्योंकि 10 जो है वो 1 दे नहीं सकता था, उसने इससे लिया था, तो ये हो गया 6, 6 में से 3 गया, ये हो गया आपका आंसर 3851। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2nd और 4th आपको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन नंबर पहला है, देयर आर 3167 पीपल इन अ विलेज, 1647 ऑफ देम आर लिटरेट, लिटरेट का मतलब पढ़े लिखे हैं, हाउ मैनी मैन आर इलिटरेट, यानी कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आप कैसे माइनस, क्या करेंगे, इसको माइनस करके पता करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट होगा आपका, पहला स्टेटमेंट होगा आपका नंबर ऑफ पीपल इन द, सॉरी, इन अ विलेज, तो वो है आपका, पहले यहाँ 1100 लिख लीजिए, 3167, फिर नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, तो ये हो गया आपका 1647, देयरफोर, ये देयरफोर का साइन है, नंबर, नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं एन ओ लिख करके, यहाँ डॉट जब डालेंगे तब ये नंबर कहलाएगा, डॉट नहीं डालेंगे तो नो कहलाता है फिर, तो नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इज इक्वल टू, अब इसको माइनस कर लीजिए, ये आपका हो गया 1520, ये इतने लोग जो हैं वो आपके इलिटरेट हैं। नेक्स्ट, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर रही हूँ, संस्कार परचेज डीवीडी सेट एंड अ कंप्यूटर टेबल फॉर 9865, इफ़ द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर टेबल इज 2498 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ डीवीडी। दो चीज़ें ली, एक की कॉस्ट बता दिए, दूसरे की पता करनी है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ डीवीडी एंड कंप्यूटर टेबल इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे 1100 लिख लीजिए, 9865, फिर लिखेंगे आप कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर टेबल इज इक्वल टू 2498, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डीवीडी इज इक्वल टू, माइनस करके पता करेंगे, तो ये हो गया 15 आपका, 15 में से 8 गया बचा आपका 7, यहाँ हो गया 5, 15 में से 9 गया हो गया 6,
फिर ये हो गया आपका 7, 7 में से 4 गया, हो गया 3 और ये हो गया 7. दैट मीन्स डीवीडी की कॉस्ट है 7,367. अब क्वेश्चन नंबर 5 में करूँगी. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 4,000 एप्पल्स हैं जिसमें से 464 आर रोटन. रोटन यानी ख़राब हो गए, सड़ गए हैं. तो कितने आपके पास बचे ये आपको बताना है. तो नंबर ऑफ एप्पल्स लिखिए, वो है आपका 4,000. फिर नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स वो है आपका 464. अब इसको माइनस करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ गुड एप्पल्स इज इक्वल टू ये आएगा 6,353. ठीक है, ये हो गया आपका 3,536. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, व्हाट नंबर वेयर एडेड टू, जैसे हम बोलेंगे कि 20 रुपये में हम कितना ऐड करेंगे कि 30 हो जाएगा, तो 20 रुपये में आप कितना ऐड करेंगे, 10, तो वो 30 बन जाएगा. उसी तरीके से ये क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में सीधे आपको लिखना है रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 7,241 माइनस 4,569. अब इसको माइनस करेंगे, ये हो गया आपका 11 में से 9 गया 2, यहाँ हो गया 3 तो ये 13 बन गया, 7 यहाँ हो गया 1 यानी ये फिर 11 बन गया आपका, फिर ये आया 6, ये हो गया 6, 6 में से 4 गया आपका 2, तो ये आंसर हो गया आपका 2,672. क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अ बेकर हैज़ टू बेक 2,850 कप्स, इतने उसको केक कप केक्स बनाने हैं और उसने 1,320 केक्स बना लिए. अब कितने बचे हैं उसको और बनाने के लिए ये आपको निकालना है. तो टोटल नंबर ऑफ कप केक्स आप लिखेंगे कितना है, 2,850. ठीक है, नंबर ऑफ बेक्ड केक्स हो गया आपका 1,320. देयरफॉर नंबर ऑफ केक्स लेफ्ट टू बी बेक्ड, मतलब अभी बेक करना है तो माइनस करिए इसको, आपका आंसर आ गया 1,530. इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं. तो आज आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया. अब आपको रोज़ होमवर्क क्या है आपका, डेली प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 सम्स ऑफ मैथ्स फॉर योर रिविजन. और ये रिविजन की डेट मैं आपको बता दूंगी. तो आज आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी ख़त्म हो गया. थैंक यू.